नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। कुछ समय पहले तक आंखों का तारा रहने वाला क्रिप्टो करेंसी बाजार अब फीका पड़ता जा रहा है। कई गुना तक रिटर्न देने वाले क्रिप्टो बाजार में बिकवाली का भूचाल इसकी सबसे बड़ी वजह है। बिकवाली की सुनामी से निवेशकों का मोटा पैसा स्वाहा हो चुका है। रिकॉर्ड महंगाई के बीच फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। इसके कारण अमेरिका के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ रही है। दूसरी ओर कोरोना महामारी की नई लहर और रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते भी अनिश्चितता का माहौल है। जब भी ऐसी परिस्थिति तैयार होती है, इन्वेस्टर्स वोलेटाइल एसेट जैसे शेयर मार्केट, क्रिप्टो आदि से पैसे निकालने लगते हैं और गोल्ड व बॉन्ड जैसे सुरक्षित माध्यमों में निवेश करने लगते हैं। अभी क्रिप्टो और शेयर मार्केट में आ रही भारी गिरावट की मुख्य वजह यही है। बिटकॉइन समेत ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी भारी टूटन का सामना कर रही हैं। इनमें से एक क्रिप्टो करेंसी टेरा या लूना तो हफ्ते भर में 100% तक गिर गई है। लूना की पतली हालत देख वजीर एक्स और कॉइन DCX जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजों ने इससे कन्नी काटना शुरू कर दिया है, यानी इसे डीलिस्ट करना शुरू कर दिया है। पिछले शनिवार को लूना की वैल्यू करीब $80 के स्तर पर थी, जो आज यानी शुक्रवार दोपहर को गिरकर $0.000244 पर आ गई। लूना की वैल्यू में करीब 100% की गिरावट दिख रही है। यही नहीं, इस दौरान लूना की बाजार हैसियत यानी क्रिप्टो बाजार में उसकी हिस्सेदारी $30 अरब से गिरकर महज $60 लाख रह गई है। लूना का बुरा दौर उस वक्त शुरू हुआ जब उसकी सिस्टर टोकन UST की कीमत $1 से कम हो गई। इसके बाद निवेशकों ने लाखों डॉलर के USD बेच डाले। USD एक स्टेबल कॉइन है। इस तरह के कॉइन आमतौर पर डॉलर या फिर गोल्ड जैसी कीमती धातु से जुड़े होते हैं। 11 मई को क्रिप्टो करेंसी का कुल मार्केट कैप $1.4 लाख करोड़ था, जो अब 12 मई को गिरकर $1.18 लाख करोड़ रह गया है। एक दिन में 21% की गिरावट आई है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक भारत में 1.5 से 2 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी क्रिप्टो करेंसी में होल्डिंग करीब $5.37 अरब है। भारतीय क्रिप्टो बाजार के आकार का कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक मौजूद नहीं है।